किसने मारा पापा को आपके? रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर के रिंकू सिंह विधायक। आ रहे विधायक जी के लेकर तो आखिरी बार सब अंतिम में समझौता होगा। जैसे ही गिरे तैसे वो रिंकू सिंह बोला कि मार दो साले को गोली। अरे हमको नहीं लगा कि विधायक जैसा आदमी पुलिस की मौजूदगी पर गोली चला देगा। क्या करते थे आपके? सरकार से तो भरोसा उठने के बाद ही हम यहाँ आए ना। सरकार से अपराधी पर लगाम कस रहे थे, चौक चौराहे पर हत्या कैसे हो जा रही है। तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद दिख रहा है? यहाँ तो थोड़ा उम्मीद हमको दिख रहा है। वो बोले हैं कि ठीक है, इस बात को हम उठाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे सदन में। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार, यानी अब विधायक ही हत्या करने के लिए तुल चुके हैं। मामला ऐसा ही एक आया है जो राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची है। एक परिवार के लोग काफ़ी सरकार से नाराज हैं और सरकार के ही नुमाइंदे यानी विधायक ने ही हत्या की है। पूरा मामला उनके परिवार से जानते हैं और मामला ये कि हत्या उनके पत्नी की सामने पति की हत्या कर दी जाती है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए उनके बच्चे कितने मासूम हैं। उनका पूरा परिवार तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचा है गुहार लगाने। कई ऐसे दरवाजे इन्होंने खटखटा चुके हैं सरकार के, कहां कहां गई हैं, किन विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं? आरोप नहीं, मेरे आंखों देखा घटना है सर। रिंकू सिंह जो जेडीयू का विधायक वाल्मीकि नगर से है, वो मामला ये था कि वो 14 फरवरी को वो शाम में लगभग 7 बजे करीब में मेरे पति वो चौक पर बैठते थे, जो बराबर ही वो बैठते थे वहाँ। उसके बाद वो एक शकील नाम का जो ठेकेदार जो रिंकू सिंह के साथ हमेशा रहता है, वो आया और उनसे उलझ गया। और उसके बाद उन लोग पुलिस आके उन लोगों को उसको हटा दी, वो चला गया। वो जाते बोला कि अच्छा आ रहे हैं विधायक जी के लेकर, तो आखिरी बार सब अंतिम में समझौता होगा। उसके बाद वो गया तो ये बात हमको पता चला, तो मैं भी दौड़ कर आई चौक पर, पुलिस को सुना तो वो फिर वो फ़ोन किया कि वहीं रुके रहना, हम विधायक जी को लेके आ रहे हैं। तो ये आवाज़ ओपन करके आप पुलिस को सुना रहे थे, जो नौरंगिया थाना के पुलिस वहाँ मौजूद थी, सुना रहे थे। तो बोला ठीक है आने दीजिए। पुलिस कहा कि जो भी मेरे हस्बैंड के साथ जो भी लोग बैठे थे उस सबको हटा दी कि हटिए विधायक जी आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, हटिए विधायक जी आ रहे हैं। उसके बाद विधायक उतरा, 4 फोर व्हीलर गाड़ी से आया और उसके शकील उतरा, उसका एक साला कहता है कि साला है, वो भी उतरा और 2-4 आदमी आया, गाली देकर उनको बोला, उठकर खड़े हुए हाथापाय किया। उसके बाद शकील क्या किया, उनको धक्का दिया, वो गिर गए। गिरते ही मैं चिल्लाई। उसके बाद उस बोला, जैसे ही गिरे तैसे वो रिंकू सिंह बोला कि मार दो साले को गोली। और उसके कहने के 2 सेकेंड भी नहीं लगा कि उन पर गोली चल गई। मेरे कुछ सोचने समझने से पहले मेरे हमको नहीं लगा कि विधायक जैसा आदमी पुलिस की मौजूदगी पर गोली चला देगा। क्या करते थे आपके पति? मेरे पति जिला पार्षद थे, पूर्व जिला पार्षद थे और सामाजिक आदमी थे। हम लेके आए हैं सब कुछ, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, वो सामाजिक कार्यकर्ता और एक जिला अध्यक्ष भी थे। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तस्वीर देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अब सरकार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है क्या? सरकार से तो भरोसा उठने के बाद ही हम यहाँ आए हैं ना। सरकार से अगर उसकी अरेस्टिंग हुई रहती, गिरफ्तारी होती, हमको सरकार पर उम्मीद बनता कि चलो। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधियों पर लगाम कस रहे हैं। अपराधी पर लगाम कस रहे हैं तो चौक चौराहे पर हत्या कैसे हो जा रही है? माफी बताइए, चौक चौराहे पर विधायक जैसा जिम्मेवार आदमी पुलिस के सामने और उनके हत्या कर देता है बीच चौराहे पर, कौन सा लगाम कसा जा रहा है अपराधी पर बताइए? और एक मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे पास दूसरा कोई, मेरे सास ससुर भी नहीं है, कोई नहीं है, 2 बच्चों के लेकर मैं दर बदर ठोकरें खा रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ मिला वही मिल गया रहता तो मैं पटना तक क्यों आती? इंसाफ मुझे बेतिया में ही मिल गया रहता, वाल्मीकि नगर में ही मिल गया रहता तो मुझे पटना नहीं आना पड़ता। पटना में मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है मेरे। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ होगा, है जदयू का विधायक है, सरकार है, कुछ नहीं होगा। इसी गुरूर में उसने उम्मीद क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद दिख रहा है? यहाँ तो थोड़ा उम्मीद हमको दिख रहा है। वो बोले हैं कि ठीक है, इस बात को हम उठाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे सदन में जी। आपको इंसाफ दिलाएंगे जी। लेकिन आप कहाँ कहाँ गई, किन किन सरकार के नुमाइंदों से मिली आप अभी तक? सरकार वहाँ तो DSP साहब को पकड़ के मैं बहुत रोई हॉस्पिटल में ही कि सर मुझे इंसाफ दिलाइए। उसके बाद SP साहब आए, उनको भी पकड़ के मैं बहुत रोई। उस समय तो मेरा होश हवास पूरा खो गया था जिस समय उनको गोली लगी थी। उसके बाद DSP साहब जो हमारे यहाँ आए तो हमसे पूछने, बताइए
गाड़ी का नंबर क्या था, चक्का का कलर क्या था, वो रोड किधर जाती है, अपराधी का उम्र क्या था, यही सब सवाल हमसे पूछे। लेकिन आपके आंखों के सामने इस तरह की घटना हुई, उस वक्त आपके परिवार के लोग कौन कौन थे? मैं और मेरा भाई और मेरे मेरे भाई दो ही आदमी थे वहाँ, बच्चे थे। उस वक्त आप क्या सोची जब इस तरह? कुछ सोचने का हमको टाइम नहीं मिला, हमको नहीं लगा कि वो गोली ही चला देगा। बताता पाई हुआ उसके बाद विधायक ने ही गोली चलाई, गोली वो उसके आदेश पर गोली चली, उसकी हाँ आदेश पर, वो बोला मार साले को गोली मार दो और गोली चल गई। कितनी गोली चली आपको ये पता है? हमको एक दो गोली चली, उसके बाद मैं पूरा होश खो गई। देखिए उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, बच्चों से भी हम बात करेंगे कि बेटा पापा का क्या नाम था? दयानंद वर्मा। क्या हुआ था पापा के साथ आपके? क्या हुआ था बताओ बताओ, किसने मारा पापा को आपके? रिंकू सिंह, वाल्मीकि नगर के रिंकू सिंह विधायक। क्या कहोगे पापा के इंसाफ के लिए, किससे गुहार लगाने हैं? तेजस्वी यादव से क्या कहने आए हो? उंगली क्या नहीं बताओ बताओ, क्या कहोगे? सर इंसाफ दिलाइए। तो देखिए छोटा बच्चा जो है वो इंसाफ की गुहार के लिए, एक मासूम छोटे छोटे बच्चे, ये सरकार जो है पूरी तरह से दरिंदगी वाली सरकार हो चुकी है, सुशासन की सरकार हो चुकी है। उनके चाचा भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसे क्या हुआ आपको, ये कैसे अचानक पता चला ये घटना? ये घटना हम लोग तो पटना में रहते थे, ये घटना उसी रात को हमको अचानक फोन आया जो ऐसा ऐसा घटना घट गया। हम लोग तो विश्वास यकीन नहीं कर सकते थे जो ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ ही देर पहले उनसे बात हुई थी। ठीक तो है, देखिए उनके साले भी यहाँ पे हैं। और कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई सरकार से? हम बेतिया से लेके पटना तक ले, जैसे वहाँ DIG साहब से भी हम मिले हुए थे, SP साहब से फ़ोन से भी बात हुआ था, DSP साहब से भी हम वहाँ पे मिले हुए थे, और उसके बाद यहाँ पे DGP साहब से भी हम आके हम लोग मिले, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो बेतिया से रहने वाले हैं उनसे भी हम लोग मिले, भी मुलाकात कर रहे हैं उनके परिवार के लोगों से। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है। सर आपने भरोसा दिलाया है सर, तो देखिए साफ तौर से तेजस्वी यादव ने उनके परिवार को आश्वासन दिया है और मुलाकात की है, और ये तस्वीर आपके सामने लाइव आप देख रहे हैं HD न्यूज़ पे, कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने अब सरकार से भरोसा इनका उठ चुका है। अब तेजस्वी यादव के से मुलाकात करने पहुंचे, सरकार से आपको भरोसा उठ चुका है? उठ चुका है, तभी तो हम यहाँ हैं। सरकार से भरोसा क्यों नहीं उठेगा मेरा, जब वो अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक ये कह रहा है लोग कि SP के से नाम कटवाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा है, वो SP से दबाव डाल रहा है, पैसा दे रहा है कि नाम कट, मेरा नाम निकलवा दीजिए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे आप क्या करेंगे? हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या करें, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ जो हमसे हो पाएगा वो सब कुछ करेंगे, आत्मदाह तक कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा तो कुछ बचा नहीं है, हम आगे क्या होगा हम नहीं जानते, जानते नहीं, तो हम आत्मदाह तक कर लेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को लेकर सुसाइड कर देंगे, क्या करेंगे। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर सरकार से इंसाफ नहीं मिलता है, और तेजस्वी यादव इनके आंदोलन के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में भी सवाल उठाएंगे, अगर उनसे भी इंसाफ नहीं मिलता है तो ये आत्मदाह अपने पूरे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कही। तो क्या इस सरकार में क्या किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही इससे इंसाफ दिलाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो विधायक है वो JDU के, उन्हें गिरफ्तारी होती है या नहीं, सरकार इनकी गिरफ्तारी करती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहें HD न्यूज़ के साथ।